कोरोना वायरस की चपेट में इस वक्त पूरी दुनिया है, लेकिन अब हाई रिकवरी रेट ने लोगों की उम्मीदें जगाई हैं। लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उनकी सेहत में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। कोरोना वायरस से लंबे समय तक बीमार रहने वाले मरीज किसी पुरानी बीमारी का शिकार हो सकते हैं या फिर कमजोर इम्यूनिटी के चलते उन्हें खास देखरेख की जरूरत पड़ सकती है। कई रिपोर्ट्स में पाया गया है कि रिकवरी के बाद भी मरीजों को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हुआ है। डायबिटीज के मरीजों को भी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कोरोना वायरस शरीर में किडनी डैमेज को ट्रिगर कर सकता है। रिकवर हुए मरीजों पर कई ऐसे शोध चल रहे हैं जिनसे संकेत मिला है कि गंभीर संक्रमण से लड़ने वाले रोगियों की कार्डियक हेल्थ और मेंटल हेल्थ को बड़ा नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों को अब न सिर्फ फॉलोअप स्क्रीनिंग या टेस्ट कराने की जरूरत है, बल्कि हर एक वार्निंग साइन और लक्षण को पहचानना भी जरूरी है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड जैसे सिंड्रोम रह सकते हैं। ऐसे में मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उसे लगभग 4 हफ्ते तक बीमारी के लक्षण महसूस हो सकते हैं। ऐसे में मरीज को लगातार खांसी, कमजोरी, सिरदर्द, बदन दर्द और ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना से मेटाबॉलिक सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल और इन्फ्लेमेटरी हेल्थ पर बुरा असर डालता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए कोविड-19 को बेहद खतरनाक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वायरस पैंक्रियाज जैसे शरीर के प्रमुख अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और इंसुलिन रेगुलेशन को बाधित कर सकता है। इसलिए बीमारी से जूझ रहे लोगों को नियमित रूप से ब्लड शुगर लेवल की जांच करनी चाहिए, साथ ही कुछ खास लक्षणों पर गौर करना चाहिए। डायबिटीज के मरीजों को कोविड-19 से रिकवरी के बाद कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ज्यादा भूख और ज्यादा प्यास हो रही है, या अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, या फिर जख्म भरने में काफी वक्त लग रहा है, इसके अलावा बहुत ज्यादा थकान या हाथ पैरों के सुन्न पड़ जाने जैसे लक्षणों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मरीजों में ब्लड क्लॉट और हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें हुई हैं। कम उम्र के लोगों में भी हृदय से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को सांस की दिक्कत, छाती में दर्द और बहुत ज्यादा थकावट हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हार्ट इन्फ्लेमेशन और हृदय पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कुछ वार्निंग साइन समझा जा सकता है। सीने में बेचैनी, हाथों में दबाव या दर्द, पसीना आना, सांस में तकलीफ, ब्लड प्रेशर और अनियमित हार्ट बीट इसके लक्षण हैं। इसी तरह रिकवर होने के बाद कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की समस्या भी देखी गई है, जैसे कि मूड डिसऑर्डर, ब्रेन फॉग, एकाग्रता की कमी, मेमोरी लॉस, स्ट्रेस या एंजाइटी, क्रॉनिक इंसोमेनिया या सहारे के बिना कोई काम करने में कठिनाई जैसी समस्या। कई बार रिकवरी के बाद आपके पैर या टखने में सूजन आ सकती है। बहुत ज्यादा पेशाब आना या उसका रंग बदलना भी सामान्य बात नहीं है। अचानक से वजन बढ़ना, खराब डाइजेशन या भूख न लगना भी किडनी में डिसफंक्शन के लक्षण हो सकते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।